गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए मंगलवार को 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने वाले में देशबंधु शुक्ला, राजीव यादव व अरुण कुमार सिंह शामिल हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अटेवा पेंशन बचाओ मंच के प्रत्याशी राजीव यादव ने कहा कि अगर चुनाव जीत जाते हैं तो पुरानी पेंशन की बहाली व निजीकरण पर रोक लगाने के साथ वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय की आवाज़ विधान परिषद में उठाएंगे और रिजवी कमेटी की रिपोर्ट लागू करवाने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए खंड शिक्षक निर्वाचन के प्रत्याशी अरुण कुमार सिंह और अटेवा पेंशन बचाओ मंच के प्रत्याशी राजीव यादव ने कहा, दस लोग हैं जो प्रस्ताव है, आइए आइए जी, दस लोग, दस जगह, दस का था थोड़ा उस साइड इधर सर, एक निवेदन है आपसे सर, कुछ भी कीजिए, कमी से कम सुधार लगे हमको। अरुण सिंह, नामांकन किया है, क्या आपकी प्राथमिकता रहेगा चुनाव? हमारी प्राथमिकता सबसे पहले ये है कि इस भारतवर्ष को शिक्षक समाज का दर्पण है, शिक्षक पीड़ित है, असहाय है, और शिक्षक ठीक हो जाएगा तो सारा समाज, राष्ट्र, कानून व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी स्वतः। और तदर्थ शिक्षक, वित्त विहीन शिक्षक इतने पीड़ित वंचित हैं, जिस राष्ट्र में शिक्षक सताया जाता है उस राष्ट्र का उद्भव कभी नहीं हो सकता है। शिक्षक खुशहाल रहे, शिक्षक के समस्याओं का निदान हो और शिक्षक को सम्मान प्राप्त हो, शिक्षक से पढ़ाए हुए लोग यहाँ माननीय कप्तान साहब, माननीय दरोगा, DM, SP सब बनते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लेकिन आज आप ही के परिवार का शिक्षक रो रहा है, बदहाल है। मेरी लड़ाई शिक्षकों के खुशहाली के लिए है और तमाम, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, राजनेताओं से बढ़ करके ये चरित्र निर्माण करने वाली वो संस्था है कि जितने भी केसेज आज हो रहे हैं भारतवर्ष में, शिक्षक खुशहाल हो जाए, शिक्षक संस्कारयुक्त शिक्षा देना शुरू कर दे, उसी दिन समस्याओं का हल हो जाएगा। कानून व्यवस्था का पालन करवाना हम लोगों का धर्म है। हम शिक्षकों को, चाहे जो भी राजनीतिक दल हैं, सबने पीड़ित किया है। शिक्षा को एजेंडे में लेना चाहिए। लोग गरीब, मजदूर, मजलूम को बेचारा तो कहते हैं, लेकिन उनके लड़के, उस गरीब के लड़के SP बनते हैं और DM बनते हैं, क्यों उनको बेचारा कहा जाता है? उनको सहारा क्यों नहीं दिया जाता? उनकी पढ़ाई का और शिक्षकों के सम्मान का भरपूर मैं इसका पोषक हूँ और इनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। एक मांग मेरी सबसे तगड़ी, ये हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, वहीं 1,00,000+ ये कमिश्नर के बराबर वेतन पाते हैं और वही पढ़ाने वाला 1,000 पाने वाला शिक्षक आत्महत्या कर रहा है। एक ही खेत में हल जोतने वाले दो हलवाओं की कीमत कैसे दो हो सकती है? ये लड़ाई चुनाव जीतने के बाद
मैं पूरे उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी राज्यों का दौरा करूंगा अथक, किसी भी दिन अपने घर पे नहीं रहूंगा, लेकिन शिक्षकों को और समाज को, समाज को अगर कोई सुधार सकता है तो शिक्षक, शिक्षक ही समाज का आईना है। शिक्षकों को इनका वेतन, इनका खोया हुआ सम्मान, इनको प्रोटोकॉल प्राप्त होना चाहिए। सारे शिक्षक पूर्व से लेकर के भगवान राम ने भी, कृष्ण ने भी, सब ने अपने गुरुओं का सम्मान किया है। आज इस देश में गुरुओं का अपमान हो रहा है। ये जितने अधिकारी हैं इनके परिवार का कोई न कोई अध्यापक जरूर है, अगर वो पीड़ित होगा तो क्या सबको पीड़ा नहीं पहुँचेगी? मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का नहीं है, मैं चाहता हूँ कि शिक्षक सुधरेगा, शिक्षक को सम्मान मिलेगा तो राष्ट्र में एक नई कीर्ति पैदा होगी, जो कानून व्यवस्था कभी कानून बनाने से नहीं चलती, गोली इनकाउंटर से नहीं चलती है, उनके अंदर का संस्कार पैदा करना पड़ेगा। संस्कार पैदा करने की एक संस्था है वो शिक्षण संस्था। भगवान राम ने भी अपने बच्चों को वाल्मीकि के पास भेजा। जातिवाद का मैं धुर विरोधी हूँ। आज अगर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम चाहते तो अपने घर में महल में शिक्षा दिलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने दिलवाई वाल्मीकि, जिसको आज के समाज में क्या कहते हैं। मैं स्वामी अग्रानंद परमात्म महाराज का शिष्य हूँ। मैं जानता हूँ कि परमात्मा एक है, अजर अमर अविनाशी है, और सारे मनुष्य एक हैं। मनुष्यों में विखंडन नहीं होना चाहिए। ये संस्कार जब शिक्षक बच्चों में डालेगा तो बच्चे अपने गार्जियन का सुधार करेंगे और राष्ट्र का निर्माण होगा। राजीव यादव, प्रदेश संगठन मंत्री, अटेवा। देखिए भैया, शिक्षक कर्मचारी अधिकारियों की जो पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त हो गई थी उसकी पुनः बहाली के लिए जोरदार संघर्ष होगा। साथ ही साथ वित्तविहीन विद्यालयों के मानदेय सुनिश्चित हो, उनकी सेवा शर्तें बने। 1986 में जो विद्यालयों ग्रांट पर लेने की व्यवस्था खत्म कर दी गई उसको पुनः बहाल कराने के लिए संघर्ष किया जाएगा। इसके साथ साथ तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण कराने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। मदरसा शिक्षकों की सेवा शर्तें बनवाई जाएगी। एक मुख्य चीज़ है, वहाँ पर एक रिजवी कमेटी की रिपोर्ट है जो वेतन विसंगति के लिए 10-12 सालों से पड़ी हुई है, उसको लागू कराने का प्रयास किया जाए, उसके लिए संघर्ष तेज किया जाएगा। विनियमितीकरण के लिए भी लड़ाई और संघर्ष तेज किया जाएगा।